दोस्तों, अगर आपके पास है Realme Note 50 मोबाइल और इस मोबाइल को आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने से स्विच ऑफ करने जाते हैं, तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाता है और आपका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप अपने मोबाइल में सॉल्व करोगे, चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन होने के बाद सबसे नीचे आप आ जाएंगे और यहाँ पर आपके मोबाइल में सिस्टम का ऑप्शन दिखाई देगा। सिस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गेस्चर्स का ऑप्शन आएगा, इस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस ट्रिक को आपको डिसेबल कर देना है, बस सेटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये सेटिंग आपको ढूंढने से आपके मोबाइल में नहीं मिल रही है तो सेटिंग के सर्च के ऑप्शन पे आ जाइए और यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वही लिख देना है आपको। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है प्रेस एंड, इतना दोस्तों आप लिखेंगे जहां पर भी ये सेटिंग होगी पहले नंबर पे आ जाएगी। तो इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहां पर आ सकते हो इस सेटिंग पर, ठीक है। इसको आप डिसेबल कर देना। अब अपने मोबाइल को अगर लॉन्ग प्रेस करोगे पावर बटन को, तो यहां से दोस्तों आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ या रिस्टार्ट कर सकते हो।